नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। चुनावी वर्ष में अब कांग्रेस में टिकट की दावेदारी शुरू हो गई है। शिमला शहर के पूर्व विधायक आदर्श सूद ने टिकट की दावेदारी जताई है। रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर आदर्श सूद ने शहर से इस बार टिकट के आवेदन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़े हैं और नगर निगम में पार्षद रहने के साथ ही महापौर भी रहे हैं और 1992 में कांग्रेस द्वारा उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया और वे जीत कर भी आए, लेकिन उसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया और पार्टी के लिए ही काम किया, लेकिन इस बार वे भी टिकट के लिए आवेदन करेंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र की भाजपा सरकार ऑनलाइन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग से दुकानदारों को प्रदेश सरकार को काफ़ी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि यह कंपनियाँ थोक विक्रेता से सामान खरीदती हैं जिनके स्टोर प्रदेश से बाहर हैं, जिससे इनकी बिलिंग IGSTI लगाए जाते हैं जो केंद्र को जाता है। प्रदेश को इससे कुछ नहीं मिलता है, सरकार के रेवेन्यू को भी नुकसान होता है और दुकानदारों को भी। पूर्व विधायक आदर्श कुमार सूद ने कहा कि उसी कंपनी को ऑनलाइन व्यापार की इजाजत हो जिसका प्रदेश में कार्यालय हो। उन्होंने बीजेपी के मंत्री व शिमला शहरी के विधायक सुरेश भारद्वाज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना पैसा स्मार्ट सिटी के तहत शिमला को मिला उतना पहले कभी नहीं मिला, लेकिन विजन की कमी के कारण दंगे व लोहे के ब्रिज ही खड़े किए गए जिससे कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस आने के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों को जांच की जाएगी। मैंने ये कहा है जी, GST का कि जो अब 2017 से जो है GST लागू हुआ, तो अब ऐसा है जो स्टेट में जो बिलिंग होगी, स्टेट में जो बिलिंग होगी ना, ये उसका आधा हिस्सा जो है वो केंद्र को जाता है और आधा प्रदेश सरकार को मिलता है। किंतु हो क्या रहा है, ऑनलाइन कंपनियां जो हैं वो, अभी मैंने कहा भी कि बिलिंग कर रही हैं वो बाहर कहीं से, ऐसे ही मतलब कोई संदिग्ध से उनकी बिलिंग है कि वो कोई नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से किसी व्यापारी की बिलिंग करती हैं, पता नहीं वो बिल सच्चा है झूठा जो भी है, और वो कंज्यूमर को तो मिल जाता है, किंतु प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के राजस्व में उसका कोई भी योगदान नहीं है। तो एक तरफ तो वो राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरा जो हमारे जो रिटेलर्स हैं, मैंने जैसे कहा कि अब वो इतने सालों से, वो इतने अरसा से वो काम कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो है ऑनलाइन कंपनियां जो है कुछ ना कुछ लुभावने ऐसे वो करती हैं कि वो उसमें कस्टमर खिंच जाता है। तो दो तरफ से इसमें नुकसान है, जहां हमारे ट्रेड को नुकसान है उसके साथ साथ प्रदेश के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा है जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं 45 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और महापौर भी रहा हूँ, यहाँ विधायक भी थोड़ा सा मैं, मुझे मौका मिला, तो मैं इस बार पार्टी से मेरी भी ये गुजारिश रहेगी कि वो कंसीडर करें मुझे भी, जहाँ जी जी वो अप्लाई करेंगे, वो तो अभी 3 दिन है उसमें, 3-4 दिन तो 1 तारीख तक है, तो अप्लाई तो करेंगे जी। जो काम आज, मैं तो समझता हूँ कि एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, एक इतना बड़ा पैसा शिमला शहर के लिए कभी नहीं आया विकास के लिए। पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन में जो है वो पैसा आया था, मगर वो किसी कारण से, क्योंकि उस टाइम 2008 में भाजपा सरकार यहाँ आ गई, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं भेजी और उसका ये हुआ कि वो पैसा जो है लैप्स हो गया। अब उसी स्कीम को भाजपा सरकार ने जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने नाम तो सारे बदलने हैं, जवाहरलाल नेहरू मिशन जो है उसको बदल के इन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन कर दिया, और वही पैसा जो है सबको मिलना था और सिटी को बहुत पैसा मिला, मगर जो विकास यहाँ होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। सिर्फ एक कंक्रीट की जो है वो दीवारें लगा दी गई, और एक जो है सबसे बड़ा है कि जो जितना लोहा लगा दिया गया, जिसकी जरूरत एक 1/3 भी नहीं थी, उससे 3 गुना लोहा लगा दिया गया, तो पैसा जो है बर्बाद हुआ। तो या तो मैं समझता हूँ हमारे जो प्रेजेंट लीडर्स हैं, इनको कोई सोच नहीं है, विजन नहीं था इनका, मगर अगर ये फाइलें देखते तो नगर निगम में हमने भी, और पहले भी, हमसे पहले भी जो है विकास की काफ़ी फाइलें वहाँ हैं थी, अगर उनको पूरी तरह ये देखते और उसके हिसाब से विकास करवाते, सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा बनाते, और जो बाज़ार जहाँ खुला होने थे वो खुला कर सकते थे, और इसके साथ साथ नए बाज़ार बन सकते थे, नई लोकेलिटीज़ बन सकती थी, नई कॉलोनीज़ बन सकती थी इतने पैसे से,
मगर उस तरह से विकास नहीं हुआ। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स? जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।